Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. नामचीन हस्तियां निकले लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़के इस विश्वविद्यालय की ओर नहीं देखा। चिराग पासवान जी हमेशा दलित दलित की बात करते हैं, जब वो टिकट बंटवारे का बात आया तो किनको टिकट दिए? अपने जीजा को टिकट दे देते हैं। यहाँ ये विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि कई एक मुख्यमंत्री पैदा किया है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा है जिसको स्टूडेंट बहुत बड़ा मुद्दा मान के वोट कर रहा है। किसका इम्पैक्ट मोदी जी के चुनाव पे भी पड़ रहा है। मोदी जी 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं। अगर कोई वोटर भी बोल रहा है मेरे पास विकल्प नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज कुमार। टीवी 9 की यात्रा आज पटना पहुंची है और मैं आपको ये बता दूं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले दरभंगा हाउस में खड़ा हूँ। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी इसलिए भी विश्वविख्यात है क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करें, कला की बात करें, साहित्य की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो एक से एक अच्छे और प्रसिद्ध लोग यहाँ से निकले हैं। अगर हम राजनीति की बात करें तो यहीं से लालू प्रसाद भी पढ़े हुए हैं, यहीं से आप कह ले राम दुलारी सिन्हा, उन्होंने भी पढ़ाई की है, जयप्रकाश नारायण ने भी पढ़ाई की है, कई सारे गवर्नर्स वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने भी यहीं से पढ़ाई की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये इलाका दिखाना चाहूँगा। दरअसल मैं अगर बाएं तरफ दिखाऊँ आपको तो ये दरभंगा हाउस है जिसको रानी ब्लॉक कहते हैं और ये रानी ब्लॉक पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जहां पर तमाम विषयों की पढ़ाई की जाती है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और देखिए अगर हम इस तरफ को देखें तो ये राजा ब्लॉक है। राजा ब्लॉक और रानी ब्लॉक दो ब्लॉक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे की कहानी बता दूं कि दरभंगा महाराज जो कि महाराज थे, राजा थे और उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने दो भवन को दान में दे दिया गया था, इसलिए इसको दरभंगा हाउस कहते हैं। दाहिने तरफ राजा ब्लॉक है और बाएं तरफ रानी ब्लॉक है। अब इस कहानी के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप दाहिने तरफ देखें तो इस यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर्स भी हैं हमारे साथ और साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, दरभंगा हाउस पढ़ने आते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर मनोज प्रभाकर जी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या रही है? क्योंकि अगर राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो तमाम बड़े नाम जो कि यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा भी यहाँ से पढ़े हैं, राम दुलारी सिन्हा पढ़ी हैं, जयप्रकाश नारायण पढ़े हैं, अगर हम आईएएस की बात करें तो राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के कई सारे नाम हैं जिनका नाम पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस पटना यूनिवर्सिटी का इतना रिच इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो आज के दिन कहाँ खड़ा है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी ब्रिटिश इंडिया का, आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान का आठवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय और आज की तिथि में सातवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसका जो सबसे पुराना कॉलेज है पटना कॉलेज, जहां मैं प्राचार्य था कुछ दिनों के लिए, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के बाद सबसे पुराना कॉलेज है ईस्टर्न इंडिया का। तो इसे पटना कॉलेज को ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, पूरब का ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय। तो स्वाभाविक है कि उस जमाने में बंगाल के कुछ हिस्से का और उड़ीसा के लोग और बिहार के, जो उस समय डिवाइडेड बिहार था, जितने मेधावी छात्र थे, जो समर्थ थे, सक्षम थे पढ़ाई के लिए, वो यहाँ के विद्यार्थी थे। स्वाभाविक है कि उनमें प्रतिभा थी, साधन संपन्न भी थे अधिकांश लोग, पुराना जमाना था, वो जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है और उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें आपकी दिलचस्पी आज के डेट में अधिक होगी वो राजनीति है। राजनीति में देखेंगे कि बिहार का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको लीड करने वाली जो दो महान विभूति थे, जो पहला चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह
और बिहार विभूति जो उनके डिप्टी थे अनुग्रह बाबू यहाँ के छात्र थे। जयप्रकाश नारायण जी पटना कॉलेज के छात्र थे, IAC की पढ़ाई उस समय होती थी। और हाल के वर्षों में देखेंगे तो आज जो बिहार और देश की राजनीति में लोग छाए हुए हैं उसमें तीन नाम तो आप जानते ही हैं, एक तो रहे नहीं रामविलास पासवान जी, और दो हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी यहाँ के छात्र रहे। तो राजनीति में खासा योगदान रहा। इमरजेंसी के वक्त में जो आंदोलन बिहार में हुआ JP के नेतृत्व में, नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में जो गुजरात से शुरू होकर यहाँ JP मूवमेंट में तब्दील हुआ, उसका नेतृत्व जो छात्र नेता कर रहे थे सब पटना विश्वविद्यालय के थे। मैं खुद 18 मार्च की रैली में शामिल था। तो एक तो ये हुई। सिविल सर्विस में आप देखेंगे तो आप अनगिनत ऐसे लोग हैं जो हाल हाल तक हैं। मैं आपके पास जुडिशियरी में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में पटना यूनिवर्सिटी को आप कहाँ पाते हैं? इसका इतिहास तो स्वर्णिम है, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय कहाँ है? ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन आज की स्थिति कैसी है? मेरा मानना है कि जो पटना विश्वविद्यालय का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है आज भी बहुत गिरावट नहीं आई है। आप अगर दूसरे विश्वविद्यालय की तुलना में अगर तुलना करें तो आप पाएंगे कि पटना विश्वविद्यालय कई मानकों पर आज भी अपना सर्वोत्तम ये योगदान दे रहा है बिहार के शैक्षणिक डेवलपमेंट में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब चूंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ ने, खास करके देश के अदर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पैमाने को बहुत ऊंचा किया है और उस रफ्तार में हम उस जगह पर अभी खड़ा नहीं है, लेकिन तब भी जो इतिहास रहा है उसमें बहुत गिरावट नहीं आई है, मेरा तो यही मानना है। बहुत गिरावट नहीं आई। हाँ, मैं ये समझना चाहूँगा, आप सब स्टूडेंट हैं, आपका क्या नाम है? मेरा विश्वजीत नाम है सर। क्या पढ़ाई यहाँ रेगुलर होती है? क्योंकि बिहार इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ सेशन लेट होते हैं, 5 साल में डिग्री मिलती है, इसकी क्या सच्चाई है? पटना विश्वविद्यालय की सच्चाई है कि ससमय यहाँ पे आपका सत्र पूरा होता है। पटना विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लास होता है, ये सच्चाई है पटना विश्वविद्यालय की। जहाँ तक शिक्षा के स्तर में गिरावट की बात है तो इसमें आप सिर्फ शिक्षक को या व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते हैं, छात्र भी इसमें दोषी हैं। जो जिनवन सच्चाई बात है कि छात्र भी इसमें दोषी हैं और शिक्षक और व्यवस्था को सिर्फ किसी चीज़ के लिए हम ये कर दें। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से लोग यहाँ निकले, जैसा कि सर बता रहे थे कि यहाँ से नामचीन हस्तियाँ निकले, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़ के इस विश्वविद्यालय की ओर नहीं देखा, चाहे वो लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, या कोई भी नेता हों, IAS हों, IPS हों, बड़े बड़े पद पे गए, लेकिन कभी विश्वविद्यालय की ओर पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं किया। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं कि एक से एक बड़े नाम यहाँ से निकले लेकिन इसकी बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? जी, मेरा नाम अविरल मिश्रा हुआ, और जो बात बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय पहले कहा जाता था, आज भी जब आप अंगिका तरफ जाएंगे, कोसी तरफ जाएंगे, मिथिलांचल तरफ जाएंगे तो जो लड़के पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि बहुत विद्वान छात्र होंगे जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसे छात्र हैं जो BHU में पढ़ रहे हैं। तो गांव वगैरह जाइएगा तो काफ़ी नाम से जाना जाता है पटना विश्वविद्यालय को, पर वर्तमान स्थिति में जो आप पटना विश्वविद्यालय का स्थिति देखेगा तो काफ़ी दयनीय है। चूँकि पटना विश्वविद्यालय बिहार के पटना में स्थित है और पटना बिहार की राजधानी है, तो आप जरा सोचने वाली बात है कि जब पटना विश्वविद्यालय की ये स्थिति है तो बिहार के जो विश्वविद्यालय है उसकी क्या स्थिति होगी। वहाँ तो सिर्फ आइए, एग्ज़ाम दीजिए, पेपर खोलिए, लिख के जाइए। यहाँ तो कम से कम ठीक भी है, और जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ से JP नड्डा से लेके जो वर्तमान में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो कि पटना विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, पर पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय पर राजनीति किए हैं और आज भी राजनीति कर रहे हैं। बिहार में आप देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी आते हैं पटना विश्वविद्यालय में तो बोलते हैं पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हमने बात रखा, बिहार विधानसभा में रखा, मोदी जी के सामने रखा। जब बिहार में सरकार बनी BJP और JDU को, तो ये मुद्दा वहीं दब जाता है।
फिर ना तो उनको ये याद आता है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब बात आता है, नीतीश कुमार सबसे पहले जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपनी एलिजिबिलिटी रहती उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आप पटना कॉलेज जाइए, पटना कॉलेज में से कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर वाशरूम के इशू है, वहाँ पर हमारी बहनों के लिए वाशरूम नहीं है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। पहले पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन बड़ा ताकतवर माना जाता था, एक से एक नेता यहाँ पर पैदा लिए, लेकिन क्या अब स्टूडेंट यूनियन उतना मजबूत नहीं है जिस वजह से आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाती है? स्टूडेंट यूनियन में कुछ ऐसे छात्र नेता चुन के आ गए हैं जो अपने पैसे के दम पे और राजनीतिक मतलब संरक्षण के चलते जीत रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण मिल रहा है, जैसे सरकार उनकी है तो उनको थोड़ा भीसी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से संरक्षण मिल रहा है तो जीत के आ रहे हैं, तो वो क्या जानेंगे संघर्ष करना? वो तो सिर्फ अपना बिरयानी और मोमोज के दम पे जी जाते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय को भूल जाते हैं, उनसे क्या राजनीति होगा? तो बस आ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? प्रकाश तिवारी नाम हुआ मेरा। आप यहाँ के छात्र हैं? हम यहाँ के छात्र भी हैं और यहाँ के ज्वाइंट एकेडमिक सेक्रेटरी भी हैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। आप कौन से विषय के छात्र हैं? मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। आप मैथ जी एमएससी कर रहे हैं? आप एमएससी कर रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, स्टूडेंट की मांग क्या रहती है उस समस्या को लेकर के? सबसे बड़ा और कब आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं और कब से इसकी सुनवाई नहीं हो रही? हम यहाँ 2020 में एडमिशन लिए थे, कोरोना का दौर था उस समय हम यहाँ एडमिशन लिए थे। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या यहाँ का जो है, अभी आप जो बताएं कुछ देर पहले कि यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, अब जो आप इसका अभिशाप, एक अभिशाप के तौर पे ये काम कर रहा है पटना विश्वविद्यालय के लिए। बड़े बड़े नेता पैदा तो ले लिए यहाँ से, बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में ख्याति पा लिए, लेकिन दोबारा लौट के कभी विश्वविद्यालय में कभी आए नहीं। और उनको ये पता चल गया कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र में इतना दमखम है, इतना ऊर्जा है यहाँ के छात्र में कि यहाँ का छात्र सरकार बदल सकता है। यहाँ का छात्र अगर आंदोलन पे उतर जाए, यहाँ का छात्र अगर सरकार गिराने पे आ जाए तो देर नहीं लगेगी। लेकिन आज वही देख लीजिए कि सरकार यहाँ के छात्रों के साथ राजनीति कर रही है। आप छात्र संघ के कमज़ोर होने का बात कर रहे हैं, तो जिस सरकार का यहाँ पर सत्ता है उसी सरकार का स्टूडेंट विंग अगर यहाँ पे जीत के आ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो अपने सरकार के विरोध में यहाँ से आवाज़ उठाएंगे? जब सरकार के विरोध में यहाँ से, छात्र किसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे? छात्र हमेशा जब भी उठाएंगे विरोध सरकार के विरोध में ही आवाज़ उठाएंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनके सपोर्ट में है। आप अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के अगर बातचीत कर रहे हैं, छात्र संघ उसके लिए नहीं बनता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के चाय पीजिए और बैठ के बात कीजिए, उसके लिए नहीं बनता है छात्र संघ। छात्र संघ बनता है छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। विश्वविद्यालय में अगर समस्या गिनाने की बात है तो विश्वविद्यालय में समस्याओं का भरमार पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट जाओगे देख लीजिए गेस्ट फैकल्टी पे चल रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं, क्या इसकी मांग लगातार होती है कि कैसे हमें रेगुलर फैकल्टी चाहिए, प्रॉपर प्रोफेसर चाहिए जो हमें पढ़ाई अच्छे से दे सके और तमाम कुछ तरह छात्र की जो, हाँ। कुछ छात्रों का जो छात्रों का मांग था और छात्र जो जेन्युइन जो छात्र नेता लोग थे उन्हीं का जो मांग था उन्हीं पे 144 गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी लाया गया विगत 2023 में, और उसी पे वर्तमान में विश्वविद्यालय थोड़ा सा एकेडमिक अपना चला रहा है। और वर्तमान छात्र संघ की बात करिएगा तो वो तो गूंगा है बिल्कुल, जैसे जो सत्तासीन पार्टी है उसके गुलाम, वो अपने नेता के गुलामी के अंडर चल रहे हैं। और उनका दिक्कत यह है ना कि वो संघर्ष नहीं जानते हैं, अपने जिस लोगों ने उन्हें जिन लोगों ने उन्हें जिताया उन लोगों के लिए काम करना नहीं जानते हैं, क्योंकि उन वो पैसे की राजनीति से आए हैं। पहले की छात्र संघ के जो यूनियन की बात करें तो वो संघर्ष के दम पे आता था और संघर्ष करने वाला कभी डरता नहीं है। वर्तमान समय में संघर्ष नहीं करके आया है, वो चाट चाउमीन पे चुनाव जीत के आया है और जीतने का कारण है कि छात्र संघ आज कमज़ोर है। छात्र समाज कमज़ोर है, लेकिन जो वर्तमान राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है? आपको लग रहा है कि जो राजनीति में लोग गए हुए हैं यहाँ से, वो चाहे किसी भी पार्टी में हैं हो, वो पटना यूनिवर्सिटी के तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? जी ये बात बिल्कुल जो बताया कि कोई नहीं ध्यान दे रहा है। वर्तमान में अगर आप भारत के प्रोस्पेक्टिव से राजनीति का देखिएगा, अभी लोकसभा का सीट है और लोकसभा में जो चुनाव में जो टिकट का वितरण हुआ किस आधार पर हुआ आप देखेंगे कि जिस जाति का पॉपुलेशन जहाँ पे है उस आधार पे होता है, आप पैसे से कितना मजबूत हैं उस आधार पे होता है। जो वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं उनको कहाँ टिकट मिल पाता है,
वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, पहले भी संघर्ष किए थे और आजीवन संघर्ष ही करते रह जाएंगे। और कोई पैसे वाले आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, तो वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे अपने क्षेत्र को, कैसे विकास कर पाएंगे? जो शुरू से ही अगर फॉर्चूनर में बैठा है तो उनका तो अपेक्षा यही रहेगा ना कि हम रेंज रोवर में घूमें। अब फॉर्चूनर से वो थोड़े नीचे उतर के आप देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ बिहार में ही, किस आधार पे हुआ? लोकसभा में जहां चिराग पासवान जी हमेशा दलित दलित की बात करते हैं, जब वो टिकट बंटवारे का बात आया तो किनको टिकट दिए? अपने जीजा को टिकट दे देते हैं, उसके बाद जो पूंजीपति लोग हैं उनको टिकट दे रहे हैं। वही और दलित का नेता नहीं है, जो आदमी उनके लिए हमेशा से समर्थित रहा, जो इतना मेहनत की उनके पार्टी के लिए, आज उनको आप साइड लगा दिए। हम चलिए तो ये बताइए, आप अपना नाम बताइए एक बार, और आप यहाँ किस चीज के स्टूडेंट हैं, किस सब्जेक्ट? मेरा नाम अंकित शर्मा हुआ, पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट से अभी चल रहा है। ये बताइए, ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आप लोग बतौर छात्र महसूस करते हैं कि राजनीति में परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, परिवारवाद तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब पार्टी में देखेगा कि अगर कोई नेता बन रहा है तो, अगर कम उम्र में देखिएगा युवा में, तो कोई संघर्ष वाला नेता को टिकट नहीं दे रहा है। आज देखिए, आज टॉप लीडरशिप अगर देखिए तो राजद का भी देखिए तो तेजस्वी यादव हैं, तो वो भी किसके बेटे हैं? अगर कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो वो जीवन भर संघर्ष ही कर रहा है। युवा के लिए आज राजनीति बहुत मुश्किल हो चुकी है। विश्वविद्यालय को डिमोलिश जो किया जा रहा है, इसी से कनेक्ट है वो, जो इस विश्वविद्यालय को अगर यहाँ जो पोटेंशियल वाला छात्र है, सब छात्र पोटेंशियल से भरा हुआ है, लेकिन उसके पोटेंशियल को अगर आज नहीं दबाया जाएगा, इस विश्वविद्यालय को उलट के एक बार देख लिया जाएगा, पीछे मुड़ के एक बार देख लिया जाएगा, तो समझ रहे हैं उनके बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका परिवारवाद खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते हैं? हाँ। प्रोफेसर जी। जी कौन से सब्जेक्ट के? हिस्ट्री के। हिस्ट्री के। हाँ। थोड़ा सा इस विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना स्वर्णिम इतिहास था, हाँ। अब वो रह नहीं गया क्यों? है स्टूडेंट उस तरह के निकल नहीं रहे हैं? हमारे स्टूडेंट आज भी बहुत अच्छा निकल रहे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, हमारा ग्लोरी आज भी है, ये देश का सातवां ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज, और सब्जेक्ट बताइए कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअली आप प्रोफेसर? एक्चुअली अच्छा जी, बीसी आ गए हमारे, एक मिनट में तो बीसी से एक मिनट ठीक, रुक जाइए हम आते हैं थोड़ा सा बीसी से। एक्चुअली हम लोग को ये सब बच्चों सबसे लीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा हम लोग। आप यहाँ की स्टूडेंट हैं जी? कौन सा सब्जेक्ट की स्टूडेंट है? एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 2। एमए हिस्ट्री जी। यहाँ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? नो सर, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। देश की राजनीति किधर जा रही है उससे आप ऐसी बात उसकी समझदारी रखते हैं जी? हाँ सर, थोड़ा मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक, चलिए, आपके ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो ये सारी बातें, अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव हो रहा है जिस तरीके से, तो यहाँ के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कैसा है? चुनाव पार्टिसिपेशन बताएं तो यहाँ के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा राजनीति हो रहा, सोची समझी साजिश है ये। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ सोची समझी साजिश किया जा रहा है। अगर यहाँ के छात्र अगर आंदोलन करेंगे, यहाँ के छात्र अगर बाहर निकलेंगे, राजनीति में अगर आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी यहाँ के लोग जो निकले हैं पहले, जो ख्याति बटोर रहे हैं विश्वविद्यालय के नाम पर, वो उनका राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगा। यहाँ के छात्र में वो दमखम है, यहाँ के छात्र में वो प्रतिभा है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। प्रतिभा के नाम पे देखिए, प्रतिभा के नाम पे सौरभ जो है, संदीप सौरभ इसी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है ना, बीएन कॉलेज के यूजी के छात्र रहे, अभी नालंदा से लौट, तो इनकी इसका अस्तित्व को समझिए, वर्तमान में इसका अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अशोक चौधरी यहीं से पढ़ के निकले थे, उनमें इतना, इस विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते उनमें इतना ताकत हुआ, अपनी बेटी को जो कभी राजनीति का गहरा नहीं जानती होगी, घर में क्या मजे से जी रही होगी, सबसे कम उम्र में वो टिकट दिलवा लिए, टिकट दिलवा लिए कि यहीं से वो राजनीति उनको संचित किया, और संचित करने के बाद वो आज इस तरीके का पावरफुल है। लालू यादव उनका तो बात ही अलग है। तो तमाम अगर विश्वविद्यालय को एक बार कोई पलट के देख दे ना, तो फिर यहाँ से मुख्यमंत्री पैदा होगा। यहाँ ये विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि कई एक मुख्यमंत्री पैदा किया है, तो नीतीश कुमार वर्तमान में इसी विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, एट दैट टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का अंग हुआ करता था, न्यूटन हाउस में रहते थे नीतीश कुमार। तो डिनाई नहीं किया जा सकता यहाँ के पोटेंशियल को, लेकिन हाँ, जो पॉलिटिक्स के तहत, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ राजनेता ने इसको डिमोलिश किया, जितने IAS IPS सब लोग हुए उन लोगों ने भी इसको डिमोलिश किया।
IAS IPS भी इन लोग को इसको कभी देखना नहीं पसंद किया पटना यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जान रहे थे कि यहाँ से अगर हम IAS बने हैं तो यहाँ से पीछे वाला लोग भी IAS बनेगा, तो मेरा बेटा फिर IAS नहीं बनेगा। उनका अलग पॉलिटिक्स था। तो अफसर को ये नहीं कह सकते हैं, सिर्फ नेता ने इसके साथ ये किया, यहाँ का IAS IPS जितना भी लोग रहा सब लोग इसके साथ मिसबिहेव किया। एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि परिवारवाद बड़ा मुद्दा है? दूसरा मुद्दा, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या है इस देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार की भी बात होती है, साथ ही साथ कहा जा रहा है, विपक्ष कहता है महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स पैसे भेजते होंगे, क्या आप मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को, स्टूडेंट्स को खासतौर पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है? बहुत लोग यहाँ MSc MA करके निकल रहे हैं, नेट की परीक्षा पास करते होंगे, उन्हें लेक्चररशिप की नौकरी नहीं मिल रही है। ये सारे मुद्दे क्या आप लोगों की सोच में है, जहन में है क्या? जी, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। आज बेरोज़गारी दर बहुत ऊपर अपने एकदम चरम पे चला गया है। बेरोज़गारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, उस पर सरकार को अथी लेना चाहिए, जो भी नया सरकार बने उस बहाली निकाले सभी युवा अभ्यर्थियों के लिए। पटना बेरोजगारी मुद्दा है, आपके आपके हिसाब से बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप जैसे लेक्चरर का बात किए, तो लास्ट वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी आया था 2017 में, और 17 से और 17 में फिर हो गया था। 17 से पहले कब आया था? 2000 के आसपास में आया था, उसके बाद से वैकेंसी नहीं हुआ। अभी आप देखिएगा तो यहाँ पर टीचर का पूरा कमी है, गेस्ट फैकल्टी में जो पढ़ा रहे हैं उनको वेतन सही समय से नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ काम, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है बिहार में, अब पूरा देश के स्तर भी यही इशू बन कर आ गया है। कहने को टीचर का तो बात अलग है, यहाँ परमानेंट VC नहीं है। चलिए ये बताइए, आप चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दूसरा फेज खत्म हो गया, तीसरा फेज आने वाला है, आप स्टूडेंट लोग किस मुद्दे को सबसे बड़ा मान करके वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा है जिसको स्टूडेंट बहुत बड़ा मुद्दा मान के वोट कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट आप मीडिया हैं या पूरा देश को पता चल रहा है कि इसका इम्पैक्ट मोदी जी के चुनाव पे भी पड़ रहा है। मोदी जी 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं, 400 पार बोलना, तो ये किसका है? मोदी जी का तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत शानदार है ना, माना जाता है, लेकिन उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? बेरोजगारी उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? महंगाई उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार जो आज भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है देश। मोदी जी 14 में यही कह के आए थे ना कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बिल्कुल मानते हैं मोदी जी, विकल्प है जो इसको दूर कर। देखिए सबसे बड़ा अगर फालतू कोई सवाल अभी है ना, तो ये विकल्प है। अगर कोई वोटर भी बोल रहा है मेरे पास विकल्प नहीं है, तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, विकल्प ही नहीं रहता, तो चुनाव काहे हो रहा है भाई? विकल्प नहीं है आपके सामने, कैंडिडेट नहीं। ऐसा थोड़े है कि हर लोकसभा में एक ही कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहे हैं ना कैंडिडेट भाई, आप काहे दे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग मोदी जी को थोड़े चुन रहे हैं। आप अपने सांसद को चुनिए ना, ढंग का सांसद चुनिए। आपके क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तब आप सवाल उठा सकते हैं ना। यहाँ बात हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि विकल्प नहीं है, विकल्प काहे नहीं है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर उसके लिए आवाज़ उठाइए कि लोकतंत्र खत्म। सबसे बड़ा मामला है कि अगर विकल्प नहीं है आपके पास, तब तो लोकतंत्र सबसे बड़ा खतरा में है। अगर आपके सामने विकल्प नहीं है, विकल्प तो आपको खोजना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि किसी पार्टी की विचारधारा के बजाय कैंडिडेट को देखना चाहिए? जी बिल्कुल, कैंडिडेट बढ़िया है, बिल्कुल कैंडिडेट को देखना चाहिए। अगर कोई मुझे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, तो मोदी जी अपना नंबर मुझे देंगे, मैं उनसे बात करता हूँ कि अगर मुझे कल के डेट में, अगर मेरे लोकसभा में या फिर मेरे विधानसभा में किसी तरह की मुझे समस्या आएगा, तो मोदी जी हमसे संपर्क करेंगे। मोदी जी कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, किस देश में रहेंगे, मैं उनके उनका अभी पिछला कुछ दिनों से देखिए, जब से वो जीते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के वो जब तक चुनाव नहीं आता है देश में, तब तक वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, हमेशा मेरा ऐसा मानना है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि उसी कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, ना कि ऊपर देख के, कि इस किसी चेहरे को देख के, व्यक्ति विशेष को देख के। आप उसको चुनिए जो आपके साथ जाति धर्म से, बिहार का आज जो दलगत राजनीति है उसका मेन जो वजह है कहीं ना कहीं जातिवाद है। लोग अपने जात के आधार पर वोट कर देते हैं। ये बताइए क्या बड़ा मुद्दा है? लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज है, आप स्टूडेंट हैं, राष्ट्र के निर्माण में अब आपकी बड़ी भूमिका होगी। आपने वोट डाला, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने पहले वोट डाला है या इस बार आप
वोट डालेंगे? मेरा नाम शिशिर सम्राट है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा घर सीतामढ़ी है, तो वो पाँचवा फेज में है और 20 तारीख को वोट है वहाँ पे, तो अभी मेरा हुआ नहीं है। बात कर रहे हैं आप किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? हाँ, ये आपके नज़र में मुद्दा क्या है बड़ा देश में? हाँ, ये पूछना। तो हम एज ए स्टूडेंट इसको डेवलपमेंट से जोड़ के देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को भी जोड़ के देखते हैं, यहाँ टीचर का कमी है उससे भी जोड़ के देखते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में अभी 3 से 4 परमानेंट टीचर हैं और बाकी सब JRF पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, हमारे यहाँ कम से कम 10 परमानेंट टीचर चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि हम भी यहाँ टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, मेहनत उतना ही कर रहे हैं जो साइंस वाला कर रहा है, वही हम आर्ट्स वाले कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना हर एक चीज़ में कुछ, अब सबका जो इन्वेस्टमेंट है तो उससे कोई रिजल्ट हो, नहीं तो ऐसे तो आम पब्लिक ऐसे सब सो रही है और जो हो रहा है हो ही रहा। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओमजय कुमार हुआ और हम समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ किस विषय की पढ़ाई? और यहाँ राजनीति विज्ञान के छात्र हैं हम, पटना विश्वविद्यालय में। अच्छा, आप भी राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? मेरे हिसाब से सबसे, क्योंकि एक स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो उसकी मंशा होती है कि पढ़ाई खत्म होते ही रोजगार मिलना चाहिए। आपके हिसाब से रोजगार मुद्दा है? बिल्कुल, बेरोजगारी तो मुद्दा देश में बढ़ गया है, बहुत संकट, बड़ा संकट बेरोजगारी का। युवा जितना है वो तो रोड पे आने के लिए अब बेताब हो गए हैं, कुछ रोजगार का मुद्दा ही नहीं। कोई वैकेंसी आ रही है सही से, वैकेंसी जो रेलवे की थी वो भी पूरा वैकेंसी डाउन हो गया, IBPS का जो वैकेंसी आ रही थी उस भी पूरा डाउन हो गया। इसलिए युवा के नाते का पहला प्रायोरिटी हम लोग तो रोजगार की ध्यान देंगे। दूसरी बात अगर आएगी डेवलपमेंट की बात, देश की डेवलपमेंट तो जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी तो देश का विकास हो गई। कुछ नीति की बात है तो फॉरन पॉलिसी हो गई, क्या मेरा पॉलिसी है देश के विदेश नीति के लिए, इस चीज़ पर तो विशेष रूप से फोकस रखना चाहिए। और आगे की बात करें तो जो मुद्दा है स्टूडेंट के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो गरीब का बच्चा है वो कैसे पढ़े, जो फीस हाइक है वो एक जीरो बजट के अनुसार जितना भी फीस कम रख सके, गरीब का बेटा भी आके यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, किसान का बेटा भी गांव से उठ के, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। और इसी मुद्दा के आधार पर हम लोग वोटिंग करेंगे कि बेरोजगारी हो, पढ़ाई का जो स्टूडेंट के लिए जो है उसको फीस में कमी हो, इसी आधार पर। आप भी यहाँ के छात्र हैं? यस सर। क्या नाम है? विकास कुमार। आप कौन से विषय के छात्र? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो पॉलिटिक्स में रुचि होगी। आपके हिसाब से मुद्दा क्या देश में अभी सबसे बड़ा है? सर, जैसे हम लोगों ने देखा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हेल्थ में, एजुकेशन में भी इस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आज के टाइम में एजुकेशन में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है सर, लाइक अबाउट सिलेबस विच वी आर हैविंग नाउ सर, इट इज़ टू मच ओल्ड, वी वॉन्ट टू हैव इट रिवाइज एवरी ईयर सर, सो दैट सीइंग द प्रेजेंट टाइम एंड द नीड ऑफ द सिचुएशन सर, द सिलेबस शुड बी रिवाइज एंड अकॉर्डिंगली द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नाउ वॉट इज हैपनिंग दैट वी हैव सिलेबस विच इज 10 years old और 5 years old, नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एट अ रैपिड स्पीड। What we want that we want a pragmatic approach of the things, sir. Like let's say if today. नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, बेहतर होगा आप हिंदी में ही बोलें। अच्छा। इसकी बेहतरी के लिए आपको कौन दिखाई पड़ता है? अगर मैं सीधे गवर्नमेंट कौन सा बेटर होगा? सो आई विल गो विद द BJP गवर्नमेंट सर, सीइंग द प्रेजेंट अभी जो फिलहाल का जो माहौल है उसके अनुसार हम तो कहेंगे BJP गवर्नमेंट इज मच बेटर, अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव में तक, बिकॉज दे हैव मतलब उनके पास जो है ना मेजॉरिटी भी है सर, और मेजॉरिटी एक तरह से ज़रूरत होता है ताकि आप डिसीजन लेने में थोड़ा जल्दी हो सके। व्हाट कांग्रेस के समय पर यह था कि वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट था, सो उसमें थोड़ा डिसीजन लेने में बहुत सारा डिले होता था। BJP गवर्नमेंट इज मोर पॉलिसी पर, यस सर, उसमें यहाँ BJP गवर्नमेंट का थोड़ा डायनेमिक अप्रोच रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है, सो उसके अनुसार BJP गवर्नमेंट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू कांग्रेस गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट यूनियन का आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि बंदे ने BJP को सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ उनका आना चाहिए। हम चाहेंगे कि कोई गवर्नमेंट आके 10 साल से वो भी काम कर रही है, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं है सर, लेकिन हम चाह रहे हैं जो इंडिविजुअल आए वो इंडिविजुअल के अंदर ये इंटेंट हो कि ना बदलना है हमको, शिक्षा में बदलाव चाहिए, ऐसा बदलाव हो जो भी बच्चा आ रहा है उसके साथ शोषण का व्यवहार ना हो, उसका अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको जॉब का सिक्योरिटी मिले। हम लोग PG कर रहे हैं सर यहाँ से, इसके बाद भी हम लोग के पास अभी तक ये सिक्योरिटी नहीं है कि हम लोग को जॉब मिल जाएगा। तो देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, कई पॉलिटिकल साइंस के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अपने भविष्य को लेकर के निश्चित तौर पर चिंतित भी हैं। इनके ओपिनियन अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन सब लोगों के
कि जुबान से हमने एक बात सुनी है वो ये सुनी है कि भविष्य के लिए सिक्योरिटी, भविष्य के लिए सुरक्षा। सवाल ये है कि इस पटना यूनिवर्सिटी का, जिसका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, यहाँ से एक ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो राजीव गौबा यहीं से पढ़े हुए हैं और आप जानते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी पद पर विराजमान है। अगर हम और लोगों की बात करें तो कई सारे बड़े नेता यहाँ के मुख्यमंत्री यहीं के प्रोडक्ट हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहीं के प्रोडक्ट हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहीं के प्रोडक्ट हैं। दरअसल यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो उस समस्या का निराकरण हो, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स लगातार ये बात की मांग कर रहे हैं कि जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है सालों से, वो लंबित क्यों पड़ी हुई है, उसकी जरूरत जरूर पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनकी एजुकेशन इस तरह की हो जिससे कि इन्हें काम मिल सके, रोजगार मिल सके। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल में बदलाव की भी ज़रूरत है। बहरहाल इनके मतों में अंतर जरूर है, लेकिन एक बात बहुत साफ नज़र आता है कि बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए ये अपना योगदान करना चाहते हैं। और एक बात बड़े ही स्वाभिमान के साथ ये सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय का इतिहास जो था, वर्तमान भी वैसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी टैलेंट की कमी नहीं है। कुछ कमियां जरूर हैं, क्योंकि फैकल्टी रेगुलर नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक रेगुलर नहीं है। इस तरह की समस्या है जिसका निराकरण ये चाहते हैं। बहरहाल TV9 के इस खास शो में इतना ही। आगे का पड़ाव हमारा जारी रहेगा। पटना विश्वविद्यालय से इस समय मैं पंकज कुमार, अंकित मिश्रा और जेरी के साथ, धन्यवाद।